तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि जियो ऐप अगर आप यूज करते हैं, जियो पे एक नया फीचर्स आया है UPI, आप उससे पेमेंट भी कर सकते हैं, रिचार्ज भी कर सकते हैं एंड बहुत कुछ, रिचार्ज बिल पेमेंट कुछ भी कर सकते हैं, अपना बैंक अकाउंट ऐड कैसे कर सकते हैं, तो चलिए हम यही बताने वाले हैं वीडियो को। वीडियो को ध्यान से देखिएगा एंड पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए जियो ऐप अपना ओपन करते हैं। मैं जियो ऐप ओपन होते तक वीडियो को आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, मैं इसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप तक पहुँचाता रहता हूँ। तो चलिए अभी हम आपको कुछ फीचर्स बता देते हैं माई जियो ऐप पे कैसे ऐड करते हैं अपना। आप यहाँ ऊपर देखेंगे होम, टेलीकॉम, स्मार्ट, जियो मार्ट एंड UPI। UPI का एक नया ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको UPI वाले पे क्लिक कर देना है। अभी कुछ इस प्रकार से देखिए आपको इंटरफेस खुल के आ जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको चूज कर लेना है जो बैंक में आपका सिम नंबर लगा है उसी वाले पे, हमारा जैसे नंबर 1 पे लगा है बैंक में यही नंबर लिंक है, तो इसको आप प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आपका SMS सेंड करेगा, वेरीफिकेशन लेगा एंड वेरीफिकेशन सक्सेसफुल होकर आगे आपका अकाउंट खुल जाएगा। आपको वहाँ से चूज कर लेना है जो भी बैंक आपका होगा, तो आपका अकाउंट इसमें ऐड हो जाएगा। उससे आप रिचार्ज भी कर सकते हैं, बिजली बिल का पेमेंट भी कर सकते हैं, अदर बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे फिंगरप्रिंट मांग रहा है या तो अपना कंफर्म पिन कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे अभी अपना फिंगर शो कर देता हूँ। अगर ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग में अगर ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ना होगा, ब्लैक स्क्रीन दिख रहा होगा तो सॉरी उसके लिए, क्योंकि ये प्राइवेसी के खिलाफ है, रिकॉर्ड नहीं होता है। जैसे OTP आ गया, मैं OTP डाल के यहाँ लॉग इन कर लेता हूँ। 4 अंक का OTP आया है, ये 4 अंक का तो OTP नहीं दिख रहा है दोस्तों, अभी वेट कर लीजिए, मैं OTP देख के थोड़ा डायल कर लेता हूँ। 99 शायद है, तो मैं OTP डाल दे रहा हूँ। यहाँ से जैसे ही कंफर्म हो जाएगा, ये देखिए हमारा कंफर्म हो गया। अब यहाँ से आपको एक इंटर UPI ID क्रिएट करना है, अपना नंबर भी डाल सकते हैं, आप कुछ भी डाल सकते हैं अपना ऐड करने के लिए। तो वेरीफाई ऐड करते हैं, यहाँ पे हम कुछ भी डालते हैं इंटर योर UPI ID, जैसे ABCD, मैं कुछ भी डाल देता हूँ, अभी कोई नंबर ही ले लेता हूँ, 55 45 46 @ इसको ओके करना है, वेरीफाई लेगा। अगर UPI क्रिएट हो जाएगा, देखिए हमें लिंक बैंक अकाउंट, सेलेक्ट द बैंक अकाउंट, आपका कौन सा बैंक है उसको सिलेक्ट कर लेना है सबसे पहले। जिससे मेरा यहाँ कॉर्पोरेशन बैंक है, तो मैं कॉर्पोरेशन वालों को क्लिक कर लेता हूँ। अगर आपको ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो ऊपर आप सर्च भी कर सकते हैं कॉर्पोरेशन बैंक। ये देखिए कॉर्पोरेशन बैंक हमने सेलेक्ट किया एंड यहाँ से फैचिंग योर बैंक अकाउंट डिटेल, यहाँ से देखिए सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। यहाँ पे आप प्रोसीड कर देंगे तो यहाँ प्रोसीड होकर ये ऐड हो जाएगा टाइप सेविंग। तो यहाँ प्रोसीड कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहा है, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड भीम UPI ID एंड हमारा भीम UPI ID है एंड बैंक का नंबर जो लास्ट में बैंक अकाउंट नंबर वो दिखा देगा। यहाँ पे एक मैसेज भी आ गया कि आपका सक्सेसफुली अकाउंट ऐड हो चुका है। तो ये देखिए हमारा सक्सेसफुली अकाउंट ऐड चुका है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप QR कोड स्कैन भी कर सकते हैं, पैसा ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं एंड यहाँ से बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करके बैलेंस चेक पे क्लिक करके आप यहाँ पे UPI पिन अपना एंटर करिएगा। देखिए यहाँ पे बैलेंस शो कर देगा कि हमारा बैलेंस कितना है अकाउंट में, यहाँ से आप बैलेंस भी देख सकते हैं। बाकी आप यहाँ से ऐसे ही था, अगर आपका कोई सवाल जवाब हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा एंड उसका सलूशन भी बताऊंगा। तो चलिए अभी वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जरूर जाइएगा। तो आप हंसते हैं मुस्कुराते हैं।